अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ एचडीयू, एचडीयू आईसीयू से किस तरीके से डिफरेंट है। अगर आपने मेरी आईसीयू वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन में प्रेजेंट है, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज़ एचडीयू? एचडीयू बेसिकली हमारे पास क्या है? एचडीयू हमारे पास स्टैंड फॉर हाई डिपेंडेंसी यूनिट। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको आईसीयू के साथ मिक्सअप करते हैं। तो आज मैं आपको मैं क्लियर विजन आपको इसका देने वाली हूँ कि एचडीयू आईसीयू से कैसे डिफरेंट है और इसको हम हाई डिपेंडेंसी यूनिट क्यों कहते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर एक हमारे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट होता है, जिसको हम कभी कभार स्टेप डाउन, प्रोग्रेसिव या फिर इंटरमीडिएट केयर यूनिट भी कहते हैं। अगर अब बात की जाए कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट है क्या, हाई डिपेंडेंसी यूनिट ये वार्ड उन लोगों के लिए होता है जिनको मोर इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन की नीड हो, ट्रीटमेंट की नीड हो, नर्सिंग केयर की नीड हो, लेकिन वो नीड जनरल वार्ड से ज़्यादा हो, लेकिन इंटेंसिव केयर यानी कि आईसीयू से कम हो। यानी कि एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसमें ना पेशेंट को आईसीयू की नीड होती है ना जनरल वार्ड की नीड होती है। यानी कि आईसीयू से कम लेवल का पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और जनरल वार्ड से ज़्यादा का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। तो जब हमारे पास पेशेंट कहाँ पर आते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जिसको हम एचडीयू कहते हैं। अगर आप इसको पिक्टोरियल वे के अंदर देखें तो आपके पास यहाँ पर है एक जनरल वार्ड, इंटेंसिव केयर यूनिट, और सेंटर में है हमारे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट। जनरल वार्ड के अंदर पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल नहीं होती, लेकिन आईसीयू के अंदर पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल होती है। अब हमारे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट क्या है, पेशेंट को इंटेंसिव केयर की भी ज़रूरत है, यानी कि इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की भी, नर्सिंग केयर की भी, लेकिन इसको किससे, आईसीयू से कम केयर की ज़रूरत है और जनरल वार्ड से ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो पेशेंट कहाँ पर आता है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर आता है। ये हमारे पास बिल्कुल आईसीयू के क्लोज बना हुआ होता है ये रूम। अब अगर बात की जाए एचडीयू और आईसीयू के डिफरेंस की, जो बहुत सारे लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं, तो इसका मेजर डिफरेंस तो है हमारे पास नर्स टू पेशेंट रेशियो, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट रेशियो है वो स्लाइटली, नर्स टू पेशेंट रेशियो स्लाइटली लोअर है इंटेंसिव केयर के, लेकिन जनरल वार्ड से ज़्यादा है। क्योंकि कुछ हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू और एचडीयू कंबाइन होते हैं, तो उसी वजह से पेशेंट को दूसरे रूम या फिर दूसरे वार्ड के अंदर मूव नहीं किया जाता, तो आईसीयू के साथ ही एचडीयू बना हुआ होता है। अगर अब बात की जाए बेसिक डिफरेंस की कि एचडीयू और आईसीयू में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो बेसिक डिफरेंस इसमें यह है कि नर्स टू पेशेंट रेशियो का बेसिक डिफरेंस है। आईसीयू के अंदर जो पेशेंट होते हैं उनको 1-to-1 नर्सिंग केयर रिक्वायर है, यानी कि 1 पेशेंट और 1 नर्स, यानी कि एक पेशेंट के लिए एक नर्स। लेकिन हाई डिपेंडेंसी के अंदर जो पेशेंट होते हैं उसको हर 2 पेशेंट के लिए एक नर्स होती है, सही। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल वार्ड की, तो उसमें क्या होता है, मतलब 2 नर्स जो हैं वो 30 पेशेंट तक की केयर प्रोवाइड करती हैं, यानी कि 30 पेशेंट तक को केयर प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है किसका, एचडीयू, आईसीयू और जनरल वार्ड का या फिर नॉर्मल वार्ड का। आईसीयू का मैंने आपको क्या बताया, आईसीयू में 1-to-1 नर्सिंग होती है, यानी कि 1 पेशेंट 1 नर्स। हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर हमारे पास क्या होता है, उसमें जो पेशेंट होते हैं उसकी डिपेंडेंसी में क्या होता है कि एक नर्स होती है जो 2 पेशेंट को देख रही होती है। नॉर्मल वार्ड के अंदर क्या होता है, 2 क्वालिफाइड हमारे पास नर्स होती हैं जो 30 पेशेंट को देखती हैं। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस था एचडीयू, आईसीयू और जनरल वार्ड का। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।